A very good morning to all of you. So in the last class of economics class 12, we were studying the chapter 9 of Indian Economic Development, that is Environment and the Sustainable Development. So in the previous classes, we have already completed the what is the meaning of the environment, what are the functions of the environment, as well as we have also started what is the environmental crisis, and there are different reasons for the environmental crisis, in which some of the reasons we have already discussed in the last class, but rest of the two are still left, that is opportunity cost of the negative environmental impacts and the supply demand reversal of the environmental resources. So in today's class, we will start from this topic, that is opportunity cost of the environmental negative environmental impacts. Okay, so let's start. Opportunity cost of the negative environmental impact refers to the cost we have to pay due to harm caused to the environment. Okay, opportunity cost, as we already discussed in the class 11th microeconomic, that is it is the cost which is next best alternative. कि हम हमेशा क्या है, एक best alternative पे जाते हैं. मतलब अगर कोई चीज हमारे पास दो चीज या तीन चीज या बहुत सारे ऐसे सामने हमारे रखे हुए हैं कि हम क्या देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट हो और हमको उससे मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट मिले, तो हमेशा हम उनमें क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव पे जाते हैं. तो ये क्या होता है कि इसी को बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो निगेटिव इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट पे निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है द कॉस्ट वी हैव टू पे ड्यू टू हार्म कॉस्ट टू द इन्वायरमेंट. ये इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं जब हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज करें, एयर वाटर एंड सॉयल पॉल्यूशन, तो अल्टीमेटली क्या है, ये हम ही पे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं ना, कि हमारे डिफरेंट डिजीजेस को हम सफर कर रहे हैं. तो ये सब क्या है, कॉस्ट हम सफर कर रहे हैं. हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ा, मेडिसिन लेना पड़ा है, डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़े हैं. तो ये क्या है कि हम एक तरफ निगेटिव इन्वायरमेंट को एक निगेटिवली इम्पैक्ट किया, और इसका क्या हो रहा है कि उसका लॉस हम लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किए हैं. सो द पास्ट डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड. ओके, हमने देखा है कि जो पास्ट में डेवलपमेंट हुआ है, हमने देखिए हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड है, और आपने ये पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा भी है कि हम लोगों ने क्या किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ओपन किया, सर्विस सेक्टर को बहुत ग्रोन अप किया, इंक्रीज किया एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो ये जो डेवलपमेंट प्रीवियसली होता आया है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉल्यूटेड है, मतलब बहुत इन्वायरमेंट को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है. एंड ड्राइड अप रिवर्स, और क्या है कि जो रिवर हैं वो भी क्या हो गई है, ड्राइड अप, मतलब रिवर भी अब सूख चुकी है. एंड अदर एक्वीफर्स, एक्वीफर्स क्या होता है कि अ बॉडी ऑफ प्रीएमेबल रॉक्स, ऐसे रॉक्स जो क्या करते हैं अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर, मतलब सॉरी अंडर लैंड क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आप देखते होंगे हैंडपम्प देखा होगा आपने, हैंडपम्प को आप क्या करते हो, जब आप प्रेस करते हो तो नीचे वो क्या, नीचे से पानी क्या करता है, खींच के लेके आता है. तो ये जो एक्वीफर्स होते हैं वो ऐसे टाइप के रॉक्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और वो ट्रांसमिट भी करते हैं. जैसे हैंडपम्प है ना, कि नीचे जाके वो पानी क्या होता है, वो रॉक्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब आप उनको क्या करो, पुश करते हो, तो वो पानी वहां से क्या है, लेके आता है. ये होते हैं एक्वीफर्स, की ऐसे टाइप के परमिएबल रॉक्स होते हैं. परमिएबल रॉक्स मीन्स जो रॉक्स जो वाटर को क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. ठीक है, तो इनको बोलते हैं एक्वीफर्स, मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड. ये क्या कर दिया है कि वाटर को एक इकोनॉमिक गुड को बना दिया. इकोनॉमिक गुड होने का मतलब है कि पहले हम लोग को पानी, हम लोग क्या कहते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था. अब पानी के लिए भी हमको क्या करना पड़ा है, इकोनॉमिक गुड हो गया, मतलब हमें पैसा देके ही क्या करना पड़ा, वाटर को भी कंज्यूम करना पड़ा है. इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक गुड, की पहले क्या थे, अब धीरे धीरे वाटर क्या हो रहे हैं, ड्राइड अप होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन अब हो रहा है ना, कि 70% वाटर है. तो वाटर को बोला जाता है कि हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि वाटर भी धीरे धीरे, वाटर तो वो इतने पॉल्यूटेड हो चुके हैं कि हम उनको डायरेक्टली क्या है, कंज्यूम भी नहीं कर सकते.
इसलिए क्या है, रिवर्स क्या होती जा रही है, वो ड्राइड अप होती जा रही है, एक्वीफर्स है, मतलब पहले होता था कि हैंडपंप चलाओ तो नीचे से आपको पानी इजिली मिल जाता था, अब क्या है वो इतना ज्यादा नीचे जाके लेवल पानी का चला गया है कि अब लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सारे वाटर भी क्या हो गए हैं, इकोनॉमिक गुड हो गए, कि मतलब हमको पेमेंट करना पड़ा उसके बाद हम वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ दीज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी हम इंटरनली और एक्सटेंसिवली क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सम ऑफ दीज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज कर ले रहे हैं, मतलब जितना लिमिट होनी चाहिए मुझसे ओवर लिमिट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। वी हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट क्या करना है, स्पेंड करना है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, डिफरेंट रिसर्च को कर सकें, कि जैसे हम न्यू रिसोर्सेज को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं। अब हमको डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, नो करने के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, बहुत अपने अमाउंट को स्पेंड करना है। सो वी डू हैव टू इनकर अ लॉट ऑन हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, हमको क्या करना पड़ा है कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा वर्स्ट होता चला जा रहा है कि हेल्थ पे क्या है कि हेल्थ पे कॉस्ट हमको पे करना पड़ा। अपनी ही हेल्थ क्या है वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है कि डिफरेंट डिजीजेस को हम सफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट डिजीजेस हैं, और हमको क्या है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड होता चला जा रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से हमें क्या है कि हेल्थ पे बहुत कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। ओके, डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी। अब देखिए, जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, एकदम डिक्लाइन कर गई है। एयर की क्वालिटी क्या है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, जो लोगों को इससे भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो ये सब क्या है कि वाटर की क्वालिटी एज वेल एज क्या है आपकी एयर की भी क्वालिटी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन करती जा रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होने की वजह से। हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड द वाटर बॉर्न डिजीजेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एज वेल एज वाटर बॉर्न डिजीजेस भी क्या है, जैसे मलेरिया हो गया, कॉलरा, डायरिया, ये सब भी क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ एयर की जो क्वालिटी है वो एकदम वर्स्ट होती चली जा रही है। तो हम लोग को रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग एक प्रॉपर एक जो क्लीन एयर है उसकी हम लोग ब्रीथ भी नहीं ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हम ऑक्सीजन, हम लोग हमारे लिए ऑक्सीजन लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये सब क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और वाटर की क्वालिटी का वर्स्ट होने से क्या आ गया कि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेज भी क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, जैसे आपके हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्या हो रहा है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, जो ओजोन की लेयर है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी तो लगेगा कि उन सबको प्रोटेक्ट करने में। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपका ये क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें निगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे पे करना पड़ा है, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी है, जिस हम लोग इन्वायरमेंट को इतना हार्म कर चुके हैं कि हमें अपने हेल्थ पे भी ज़्यादा कॉस्ट को पे करना पड़ा है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेज, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और जो वाटर का जो लेवल है वो भी क्या है, एकदम नीचे चला जाता जा रहा है, कि अब लोगों को पानी भी पीने को भी क्या है उसको भी, इट इज़ ऑल्सो बिकम एन इकोनॉमिक गुड। ऐसे क्या था कि ये बोला जाता था कि वाटर इज एवरीवेयर, आप कहीं से भी पानी पी सकते हो, बट अब हर एक पानी क्या है वो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रियल से जितने भी केमिकल्स आते हैं वो सारे आपके डायरेक्टली रिवर्स में मिल जा रहे हैं, उनका कोई भी ऐसा फिल्टरेशन वाला सिस्टम नहीं है कि वो सब केमिकल फिल्टर होके तब आए। तो ये सब क्या है, पूरे जो वाटर को एकदम वर्स्ट करते चले जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सप्लाई डिमांड रिवर्जल ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ओके,
So prior to industrialization and phenomenal increase in population, the demand for environmental resources was much less than their supply. ठीक है, ये क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी शुरू हुई, आपको पता है कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर पढ़ चुका है कि कब कब आया था, 1948, 56 में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड फेनोमिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन, द डिमांड फॉर द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज वॉज मच लेस देन द सप्लाई. की इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से पहले ये था कि जो डिमांड थी वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू सप्लाई, क्योंकि कोई भी कंजप्शन करने वाला कुछ था ही नहीं. जितने भी इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज थे वो क्या थे, उनका पूरा प्रॉपर यूज भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी कम थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था कि हम जिससे डिफरेंट रॉ मटेरियल इनपुट्स को यूज करें जो डायरेक्टली क्या आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से आ रहे हैं. तो इन सारे का क्या था कि डिमांड क्या था, सप्लाई क्या हो रही थी, वो ज्यादा हो रही थी एज कंपेरिजन टू डिमांड. डिमांड क्या थी, लेस थी एज कंपेरिजन टू सप्लाई. सप्लाई ज्यादा हो रही थी और डिमांड कम हो रही थी. दिस इम्प्लाइज दैट पॉल्यूशन विद इन द एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. जो पॉल्यूशन भी हो रहा था वो भी इस लेवल पे हो रहा था कि एनवायरनमेंट उसको एब्सॉर्ब कर सके, इतना ही हो रहा था कि अगर थोड़ा सा कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो उतनी ही टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी जितना एनवायरनमेंट उसको एब्सॉर्प्टिव उसकी कैपेसिटी है. ठीक है, ओके. एंड द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन वॉज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. और जो रेट था रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट करने का, यूज करने का, वो भी क्या था, बहुत कम था रेट ऑफ रीजनरेशन से. मतलब हर एक चीज क्या था, बहुत प्रॉपरली चल रहा था, क्योंकि उतना पॉपुलेशन भी नहीं थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था. बट विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिचुएशन हैज चेंज. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एज वेल एज जैसे ही आपका पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगी, रैपिडली इंक्रीज होने लगी, तो ये पूरी सिचुएशन क्या थी, वो पूरी चेंज हो गई. अब वो पहले वाली कंडीशन रही नहीं कि जैसे हम कहते कि डिमांड ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई ज्यादा हो रहा है. अब ये एकदम वर्स्ट और एकदम ऑपोजिट सिचुएशन आ गई कि अब पहले क्या था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज क्या थे, वो बहुत लेस हो रहे थे देन द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या है कि अब जो रिसोर्सेज है उनका ओवर यूज हो रहा है और रीजनरेशन रिसोर्सेज का हो ही नहीं पा रहा है. सो नाउ द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब क्या है, जो रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन है वो क्या है, मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. वो ज्यादा है कि देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो रेट जो रीजनरेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, वो क्या है, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन. द डिमांड फॉर रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो डिमांड है इन रिसोर्सेज का फॉर द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, जो भी डिमांड हो रहा है इन रिसोर्सेज का, वो भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है एज कंपेरिजन टू रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब रीजनरेशन रिसोर्सेज का हो नहीं रहा है, बट ओवर कंजप्शन और ओवर प्रोडक्शन में ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे यूटिलाइज होते, ओवर यूटिलाइज होते चले जा रहे हैं. दिस लेड्स टू हैवी प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. ये क्या कर रहा है कि ये सीधे प्रेशर किस पे कर रहा है कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन सब चीजों को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. इसलिए क्या, ये सब बियॉन्ड जा रहा है. मतलब आप कोई चीज एक लेवल है, आपको चार रोटियां आप खा सकते हो, आपको क्या किया कि और बोला जा रहा है चार रोटी और खाओ, तो कैसे खा पाओगे, आपकी भी तो कोई लिमिट है ना. तो वैसे ही एनवायरमेंट की भी एक लिमिट है कि इतना खाने के, मतलब सॉरी, इतना वो कंज्यूम करने के बाद, एब्जॉर्प्टिव उसकी कैपेसिटी है, उतना कंज्यूम करने के बाद वो उससे ज्यादा कंज्यूम, उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. एनवायरमेंट की भी एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा इतने सारे रिसोर्सेज को, इतने सारे वेस्ट जो जनरेट हो रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. सो दिस हैज रिजल्टेड इन रिवर्जल ऑफ द सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी. ये क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि एकदम रिवर्स हो गया सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ द एनवायरमेंटल क्वालिटी. एनवायरमेंट की क्वालिटी में ये क्या है, सप्लाई डिमांड एकदम जस्ट रिवर्स हो गया. कैसे, क्या पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि सप्लाई ज्यादा हो रही थी एज कंपेरिजन टू डिमांड,
before the or prior to industrialization and the increase in the population. Now the scenario has been changed. Now the supply is less than the demand. Okay, it is after the industrialization and increase in population. Okay, so इसका क्या एकदम scenario change हो गया, इसी को क्या बोलते हैं supply demand reversal of the environmental resources. जो भी environmental resources था उनका supply demand reverse हो गया. मतलब पहले supply ज्यादा हो रही थी, demand कम हो रही थी, अब क्या हो रहा है, demand ज्यादा हो रहा है और supply कम हो रहा है. okay okay so after the completing the topic, that is crisis, environmental crisis. So the next topic of your chapter environmental and sustainable development is state of India's environment. कि इंडिया के environment का कैसी situation है. okay अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरे environment की condition पढ़ रहे थे कि क्या ऐसे reasons हैं जिनकी वजह से environmental crisis हो रहा है, तो all over the world पढ़ रहे थे. अब क्या है कि इंडिया के environment की कैसी situation है. okay so the state of India's environment is divided into टू कैटेगरी. ठीक है, जो इंडिया का एनवायरमेंट है इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट वन इज थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट और द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है, पहला क्या है कि इंडिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं और इंडिया के एनवायरमेंट को किस चीज का कैसा, किस काइंड ऑफ थ्रेट है, मतलब कैसा डिग्रेडेशन होता है, दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके सो वी विल स्टडी बोथ ऑफ them in the state of India's India's environment. okay India ke environment ki situation mein hum do ye padhenge, that is natural resources of India and the threat to India's environment or environmental degradation. okay so let's start. first one is natural resources of India. so India has abundant natural resources in terms of rich quality of soils, hundreds of rivers and tributaries. okay tributaries means क्या होता है कि जो affiliated जो होती है ना rivers की सहायक नदियां उनको बोलते हैं. so India has abundant natural resources. India के पास abundant क्या होता है, large amount में क्या है natural resources है. in terms of rich quality of soil, कि जो quality का soil की क्या है वो भी बहुत rich quality का है. हंड्रेड ऑफ रिवर्स, बहुत सारी क्या रिवर्स हैं आपको पता है कितनी सारी रिवर्स हैं, एज वेल एज ट्रिब्यूटरीज भी उनकी है बहुत सारी. एंड दी लश ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब फुल ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जो ग्रीन फॉरेस्ट भी क्या है आपको पता है एमपी का सबसे बड़ा क्या है वो है फॉरेस्ट है. तो लश ग्रीन मतलब पूरा ओवरऑल ग्रीन फॉरेस्ट है. प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, ओके बहुत सारी क्या बीनीथ दी लैंड सर्विस. ओके द वर्ड इज मिसिंग हियर. सो प्लेंटी ऑफ बहुत सारे मिनरल भी हैं कि अंडर दी सर्फेस, जो सर्फेस है लैंड सर्फेस के नीचे बहुत सारे ऐसे क्या हैं मिनरल्स भी हैं. वास्ट स्ट्रेच ऑफ इंडियन ओशंस, इंडियन ओशन भी आपको पता ही है कितने सारे. इंडिया क्या है, इंडिया के साइड में क्या है आपको पता है साउथ में है क्या, तीनों ओर क्या है सारे ओशंस हैं. एंड द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, और बहुत सारे क्या है माउंटेन्स भी हैं. ओके so the black soil of the Deccan plateau is a particular suitable for the cultivation of the cotton. ठीक है, जो black soil होता है basically ये सब क्या होता है, किस side होता है Deccan plateau, मतलब महाराष्ट्र ये सब side होता है black soil होता है, जो सबसे best किसके लिए cultivation के लिए होता है, cotton के लिए. ठीक है, cotton जो होता है ना वहीं पे वो उसी पे ही produce होता है. so leading to concentration of the textile industries in this region. अब जहां पे कॉटन क्या है, अब जैसे इंडिया, जैसे यूपी में हमको पता है कि यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वीट से ही रिलेटेड ऑब्वियसली वीट से रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा होंगी जो डिफरेंट जो इनका प्रोडक्शन करेंगी. वैसे ही क्या है कॉटन से रिलेटेड जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कॉटन जो भी क्लोथ का प्रोडक्शन कर रही है वो बेसिकली इन्ही सारे रीजन में ही होती है. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स स्प्रेड फ्रॉम द अरेबिक सी टू बे ऑफ बंगाल. जो भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जो सारे घाटी ये सारे होते हैं वो क्या है अरेबियन सी, अरेबियन सी है ना, अरब सागर से बे ऑफ बंगाल तक वो क्या है पूरे स्प्रेड आउट है. एंड दी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड. ये क्या है कि बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है, यहाँ पे फर्टिलिटी क्या है, कोई भी प्रोडक्शन की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है,
बहुत इंटेंसिवली क्या है, बहुत इंटेंस ये क्या होते हैं, कल्टिवेटेड होते हैं एंड डेंसिटी पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां के पॉपुलेशन भी क्या है इस रीजन की बहुत ज्यादा है. इंडियाज फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ. ठीक है, इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो क्या है, पूरा वो बहुत ज्यादा एरिया क्या किया है, कवर किया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन कवर किया हुआ है एंड नेचुरल कवर ओवर इट्स वाइल्ड लाइफ. और वाइल्ड लाइफ को भी क्या है, ये इंडिया के जो डिफरेंट हम फॉरेस्ट है वहां पे वाइल्ड लाइफ, आपको पता ही है कि यहाँ पे भी क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लायंस क्या है, इंडिया में ही पाए जाते हैं. तो ये सारे क्या है कि डिफरेंट, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनकी बहुत ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे है, जो सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी सारे फॉरेस्ट है जहाँ पे ये सारे कैप्ट किए हुए हैं. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ द आयरन ओर, यहाँ पे भी क्या है, आयरन का जो ओर होते हैं ना, आयरन लोहा, वो भी क्या है, उनका भी ओर है. कोल भी बहुत ज्यादा है. नेचुरल गैस आर फाउंड इन द कंट्री, नेचुरल गैस भी फाउंड होते हैं कंट्री में. इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन ओर रिजर्व. पूरे वर्ल्ड का 20% इंडिया में ही क्या है, और वो कोल का, सॉरी आयरन ओर रिजर्व्स है इंडिया में ही 20% क्या है, आयरन ओर रिजर्व्स हैं. ठीक है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का 20%. सो बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमैट, डायमंड्स, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैगनीज एज वेल एज जिंक, यूरेनियम एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये सारे जो हैं डिफरेंट, ये सारे भी क्या है आपके मेटल्स, नॉन मेटल भी क्या है, फाइंड आउट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के, डिफरेंट पार्ट में फाइंड आउट होते हैं. हाउएवर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया हैज रिजल्टेड इन प्रेशर ऑन इट्स फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी इंडिया की डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि बहुत ज्यादा इनपे प्रेशर है क्योंकि फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है, तो उनका क्या है रिजल्ट भी क्या है कि बहुत ज्यादा इनपे प्रेशर है. बिसाइड्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बींग, उनपे बिना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किए हुए किस पे, ह्यूमन बींग और वेल बींग पे, क्योंकि इंडिया में क्या है जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है उसका रिजल्ट क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर किस पे दे दिया गया है, जो भी फाइनाइट क्या है आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो ये क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. तो हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में क्या है, बहुत अबंडेंट है. उनका क्या है कि एवरी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स, नॉन मेटल्स फाइंड आउट होते हैं. और जैसे डेक्कन प्लेट्यू में क्या है आपका कॉटन के लिए वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो ब्लैक सॉइल पे ही होता है, एज वेल एज जो प्लेन्स हैं वो कहाँ, अरेबिक सी से आपका बे ऑफ बंगाल तक वो स्प्रेड आउट है, जहाँ पे वो क्या है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. कल्टिवेशन और फर्टिलिटी रेट भी क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज फॉरेस्ट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ का भी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन है हेयर. और आयरन ओर्स भी है, कोल्स भी है, और डिफरेंट मिनरल्स भी यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड के 20% आयरन ओर्स क्या है इंडिया में ही मिलते हैं. ठीक है, तो इंडिया क्या है बहुत इनफाइनाइट है इंडिया में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो नेक्स्ट वन इज थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट, कि इंडिया के एनवायरमेंट को किस काइंड ऑफ थ्रेट है, मतलब किस टाइप की उनको डर है कि या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट क्यों डे बाय डे वो डिग्रेडेड होता चला जा रहा है. सो थ्रेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट पॉजिजेस अ डाइकोटॉमी. ओके, डाइकोटॉमी मीन्स डिवीजन. ओके, डिवीजन करना. थ्रेट ऑफ, सो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो टू में क्या है, जो इन्वायरमेंट है, जो थ्रेट है इंडिया का जो इन्वायरमेंट का थ्रेट है उसको टू में डिवीजन किया गया, टू में डिवाइड किया गया है. दैट इज थ्रेट ऑफ पॉवर्टी induced environmental degradation and at the same time threat of pollution from affluence and rapidly growing industrial sector. एक threat क्या है कि इंडिया में क्या है poverty induced है, poverty बहुत ज़्यादा है जो directly impact किस पे करती है, environmental degradation पे, environment degrade होती जा रही है. और उसी के साथ साथ क्या है कि threat of pollution, pollution का भी जो बहुत ज़्यादा threat है, that influence एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, की पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है. देखिए, एक और पॉवर्टी इंड्यूस है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे कर रही है, आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे. दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा एफ्लुएंस क्यों, क्योंकि रैपिडली क्या है कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्हांस होती जा रही है, तो उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है. तो पहला क्या हो गया, पॉवर्टी इंड्यूस,
और सेकंड उसके थ्रेट किस चीज का हो गया कि पॉल्यूशन, मतलब दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रखी है कि कैसे ये दोनों को कंट्रोल किया जाए. ओके, सो एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन मींस पॉल्यूशन, कंटामिनेशन मींस आल्सो पॉल्यूशन, एंड द सोइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन आर सम ऑफ द प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया. ओके, सो एयर पॉल्यूशन आपको पता है कि आपने अभी बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि वो डायरेक्टली क्या है, वो जो सारे वाटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, डायरेक्टली क्या है रिवर्स में आ जाते हैं विदाउट फिल्टरेशन, उनको फिल्टर भी नहीं किया जाता, तो वो पानी क्या पूरा एकदम वर्स्ट सिचुएशन में होता है. इवन दे आर नॉट एबल टू, वी कांट एबल टू ड्रिंक दैट वाटर, कि उन पानी को हम पी भी नहीं सकते हैं. एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, एयर पॉल्यूशन कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती जा रही कंटिन्यूसली, सॉइल इरोजन हो रहा है कि कंटिन्यूसली सॉइल इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूसली होती जा रही क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, लोगों के बिल्डिंग्स अपार्टमेंट ये सारे बनते बनते लोगों के ये ट्रीज ही कटते जा रहे हैं और ये सब स्टेब्लिश होती जा रही है. वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होते हैं डिसअपियर होते चले जा रहे हैं. आज सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया, ये क्या है बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिंग एनवायरमेंट की ये बहुत ज्यादा एक कॉन्सेंट्रेशन इस पे करना है क्योंकि ये एनवायरमेंट को एकदम वर्स्ट करता चला जा रहा है क्योंकि इन पे हमको फोकस करना है. अगर ये सब चीज कंटिन्यूसली अगर होती रहेगी तो एनवायरमेंट मतलब ऐसी भी सिचुएशन नहीं रहेगी कि कोई लिव यहाँ पे कर सके. सो प्रायोरिटी इशूड आइडेंटिफाइड आर, जो प्रायोरिटी इशू है वो आइडेंटिफाई ये हुए हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. क्या होता है वी विल डिस्कस. बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कंटिन्यूसली क्या लॉस होता चला जा रहा है. एयर पॉल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू वेहिक्यूलर पॉल्यूशन इन अर्बन सिटीज, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से, जो व्हीकल की वजह से. आपको पता है कि आप अभी दिल्ली में होता रहता है ये जो, फिर और क्या है कि कंटिन्यूसली आप देखते हो यहाँ पे इतनी व्हीकल्स चल रही हैं तो उनका जो भी इमिशन आ रहा है वो डायरेक्टली क्या है ह्यूमन की रेस्पिरेटरी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करा है कि लोगों को रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती जा रही है. मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरा वाटर क्या है पूरा पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो भी वेस्ट है उनको कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए. ओके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट है हम उनको कैसे रिसाइकिल करके प्रॉपरली फिर उनको यूज कर सके. तो हम ये सारे एक एक चीज क्या है एक एक डिस्कस करेंगे कि जो इसमें क्या है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया या आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया. नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू वेहिकुलर पॉपुलेशन, जो वेहिकुलर पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन होती है अर्बन एरियाज में, एज वेल एज जो मैनेजमेंट करना है हमें फ्रेश वाटर का, कि जो वाटर हो वो क्या हो ड्रिंकिंग के लिए कैपेबल हो. इवन कोई एनिमल्स भी क्या है वही पानी पी लेते हैं तो उनकी डेथ हो जा रही है. सॉलिड जो भी वेस्ट है उनको हम कैसे मैनेज करें कि सो दैट वी कैन अगेन यूज इट, कि हम उनको फिर से क्या कर सके यूज कर सके. ओके, सो इन द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी इंडियाज एनवायरमेंट वी हैव डिस्कस दी, इट इज ऑफ डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में क्या है, एंड द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एक साइड में हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया में अबंडेंट रिसोर्सेज है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे तो हर एक एरिया क्या है किसी न किसी चीज में स्पेशलाइज्ड. हम अगर साउथ में जाएंगे तो हमें अलग टाइप के प्रोडक्शन स्पाइसेस मिलते हैं हमें डिफरेंट टाइप्स के. हम उधर महाराष्ट्र में जाएंगे तो ब्लैक सॉयल में क्या है कॉटन प्रोड्यूस हो रहे हैं. हम इधर आएंगे यूपी में तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन हो रहे हैं. थोड़ा इधर जाएंगे धनबाद साइड हम देखते हैं यहाँ पे कोल्स के बहुत सारे माइंस हैं. तो ये सब क्या इंडिया में रिसोर्सेज क्या है अबंडेंट हैं, एज वेल एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स भी यहाँ पे लैंड सर्फेस के बीनीथ क्या है उसके नीचे बहुत सारे हैं. और कोल्स माइंस हैं, आयरन के रिजर्व्स हैं, आयरन ओर के रिजर्व्स हैं, डिफरेंट क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो चले यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता. और फिर एज वेल एज जितने भी क्या हैं कि हम वाइल्ड लाइफ भी हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट भी हैं जहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी रहते हैं. तो क्या है कि हम एक और देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में अबंडेंट है.
वहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया के एनवायरनमेंट को थ्रेट भी है। अब एक और हमने देखा कि इंडिया का एनवायरनमेंट तो चलो बेस्ट है, वहां पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हम भी डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करें, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, एनवायरनमेंट से ही मिलेगा, बट ऑब्वियस है। तो अब थ्रेट क्या है इंडिया एनवायरनमेंट को, इंडिया के एनवायरनमेंट को थ्रेट ये है कि पॉवर्टी इंड्यूस्ड है, मतलब यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब पॉवर्टी अगर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, पॉवर्टी को अगर हमको रिड्यूस करना पड़ेगा तो हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा, डिफरेंट मशीन्स टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, सो दैट डिफरेंट पीपल विल गॉट एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकेंड हमारा क्या है कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। अब पॉल्यूशन को इंक्रीज होने का मतलब है कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे करेगा, एनवायरनमेंट पे, क्योंकि रैपिडली इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो वो किस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट पे। हम ये देख रहे हैं कि कैसी कैसी एयर वाटर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर के कंटेमिनेशन हो रहे हैं, वाटर में वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रही है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसका एक्सटिंक्शन होता जा रहा है, वो रिमूव डिसअपियर होते चले जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि लायन क्या थे, वो धीरे धीरे एकदम उनका डिक्रीज होते चले जाते हैं, वो टिगर जो होते हैं, टाइगर उसको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो टाइगर क्या है वो भी डिक्रीज होते चले जा रहे थे हमें पता है, बट अभी हमने टाइगर डे सेलिब्रेट किया था, वो सब कब सेलिब्रेट किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो टाइगर भी क्या है कि वो रिड्यूस होते, बट अभी कुछ दिन से क्या है ये भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर अदर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो भी उनका भी डिसअपीयरेंस होते चले जा रहे हैं, और आपका क्या है कि सोयल इरोजन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज बन रही हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो क्या है कि ट्रीज को ही कट किया जा रहा है, क्योंकि पूरे अगर फॉरेस्ट है तो हम ट्रीज को कट करेंगे तभी तो वहां पे कर पाएंगे, तो ट्रीज भी कटिंग ऑफ ट्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूस। सो ये पूरा स्ट्रेस किस पे कर रहा है, एनवायरमेंट पे कर रहा है, क्योंकि अगर ये सब चीजें नेचुरल हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एनवायरमेंट हमको क्या कर रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा है। अब अगर यही सब डे बाई डे रिड्यूस होते चले जाएंगे तो फॉर नेचुरल लिविंग के लिए भी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एकदम वर्स्ट सिचुएशन होती जाएगी, एकदम कैपेबल नहीं होंगे कि कोई भी रिस्पिरेशन भी ले सके इस ऐसे सिचुएशन में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट हैं जहाँ पे हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे आपका क्या हो गया लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है उनको कैसे करना है, जिसमें हम पॉल्यूशन देख सकते हैं, एज वेल एज जो भी सॉलिड है, जो वेस्ट है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि कैसे जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज जो भी फ्रेश वाटर है हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है उसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर सब कम्स अंडर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट और the environment degradation। Okay, so it's all about your today's class, till state of India environment we have discussed, so it's all about your today's class, we will continue further in the next class। Okay, thank you।